गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 13 है। हमारे 12 लेक्चर पूरे हो चुके थे और उनमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक पढ़ लिया था। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो उनके बीच में आपके आएंगे, ठीक है। हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों को और देखते हैं कैसे सॉल्व होते चले गए। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। वो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड पेपर में भी आ चुका है। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां ओपन कर दे। डी एक्स अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन ए cos b cos a sin b, ओके। यहां पर बेटा साइन क्यूब एक्स है, इसमें से साइन एक्स कॉमन ले ले, तो जब साइन एक्स कॉमन आएगा तो साइन पावर 4 हो जाएगी। dx अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, इसमें से साइन एक्स कॉमन ले ले, साइन एक्स कॉमन आएगा तो यहां क्या रहेगा, ये cos x अल्फा कोस अपॉन साइन कोट एक्स साइन अल्फा, ओके। तो ये हो गया हमारा साइन 4x, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बनके साइन स्क्वायर एक्स कोस अल्फा कोट एक्स साइन अल्फा। फिर से बोलते हैं एक बार, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, साइन एक्स को कॉमन लिया, साइन कॉमन का मतलब होता है उससे डिवाइड, ये बाहर आया तो स्क्वायर बन के बाहर आ गया, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेजेंगे तो उससे स्क्वायर बन के ऊपर जाएगा, कोस अल्फा कोटेक्स साइन, ओके। हमें जानते हैं बेटा कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर होता है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इट मींस पुट कोस अल्फा कोटेक्स साइन अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो जीरो, प्लस साइन अल्फा कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका 2t dt, तो देन cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस 2dt अपॉन sin अल्फा, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, माइनस 2 अपॉन sin अल्फा t dt अपॉन t स्क्वायर t, इससे कैंसिल, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा टू टी प्लस सी, माइनस टू साइन अल्फा टू टी की वैल्यू रूट कोस अल्फा कोटेक्स साइन अल्फा प्लस कंफर्म। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, तो मेन पार्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड ही होता है, पर उसके लिए आपको अरेंज करना आना चाहिए। ओपन करा था, कॉमन लिया साइन एक्स, साइन स्क्वायर बन के बाहर आया कोस एक्स स्क्वायर, इतना तो आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फिर लेना आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड, क्लियर। देखिए और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन साइन 2x साइन 3x साइन 5x। तो आपको आपके बुक में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, बेटा यहां पे तीन एंगल है 2x 3x 5x, तो ऐसे एंगल का कॉम्बिनेशन चलेगा कि जिनमें दो स्मॉल एंगल का सम थर्ड वाले के इक्वल होगा, तो 2x और 3x मिलकर 5x,
हमें जो जो ऊपर जो एंगल लिखा होता है न्यूमरेटर में, उस लिखे हुए एंगल को इनमें अरेंज करना होता है। तो मींस साइन इसे क्या लिखते हैं, 5x माइनस 3x, साइन 3x साइन 5x dx, और इस पर आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन a cos b माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन 3x साइन 5x, इसका सेपरेशन करा दीजिए, तो दिस अपॉन दिस साइन 5x चेंज है 4 3x, दिस अपॉन दिस साइन 3x कैंसिल 4 5x, ओके। और देन इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, से कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और थ्री जो कॉन्स्टेंट में होता है डिवाइड आएगा लॉग साइन 3x 1/5 लॉग साइन 5x प्लस ये बेटा। इस तरह के हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x, जहां साइन आ रहा है वहां कोस आ सकता है, cos 3x cos 5x, इंटीग्रेशन sin 5x sin 3x sin 2x, तो हम इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, इंटीग्रेशन 1/1 + 10x, 1/1 + 10x, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज टेन साइन साइन एंड कॉस, 1/1 + sin x अपॉन कॉस एक्स, टेकिंग एलसीएम कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ओके। इतने घंटे में तो कोई दिक्कत, इसके बाद ही इसकी अगली जो लाइन है वो मेन लाइन होती है बेटा। ये जो लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, cos x plus sin x plus, एक बार इसका अपोजिट साइन लिख दीजिए, cos x minus sin x upon cos x plus sin x, एक बार रिपीट, इनको साइन cos पे बदला, एलसीएम लिया, ये बना, इसके बाद से ये लाइन लिखना है, इसका मेन पार्ट है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको सेम लिखते हैं, और एक बार इसका कंजुगेट अपोजिट साइन, ऐसा क्यों किया, देखें साइन से तो साइन कैंसिल हो रहा है, cos x + cos x 2 cos x बट यार 2 नहीं, इसलिए 1/2 आ गया। तो अब ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ एक ही चीज, ये इसकी मेन लाइन, सेपरेशन करा दीजिए, 1/2 this upon this one, 1/2 this upon this, और then substitutional method use, put cos x sin x equal to t, differentiation sin x sin x का cos x dx equal to dt, integration 1/2 dx 1/2 dt upon t, so 1/2 x 1/2 log t, or put the value of t 1/2 x 1/2 log t ki value cos x sin x plus same type ke question hum aise bhi kar sakte hain, integration 10 की जगह बेटा कोट भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी माइनस में भी आ सकता है, इन क्वेश्चन को करने का सेम फंडा होता है। देखिए
Okay. एक और देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन साइन 2x साइन पावर 4x कॉस पावर 4x। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, साइन 2x 2 साइन x कॉस x, ओके इसमें से साइन 4x कॉमन ले लो, साइन पावर 4x कॉमन ले लो, सॉरी साइन पावर नहीं कॉस पावर 4x कॉमन ले, टेकिंग कॉमन कॉस पावर 4x तो ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 पावर 4x प्लस 3x 2 साइन x और इस एक कॉस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब x 10 4x प्लस 1 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10 एक्स और जो 2 यहां बचेंगे वो क्या बन जाएंगे sec स्क्वायर एक्स, ओके साइन अपॉन कोस 10 और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स, 10 4 को क्या लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 पुट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करो। अब ऐसा क्यों नहीं किया कि 10 एक्स को t पुट किया, 10x का डिफरेंशिएशन ओनली sec स्क्वायर x होता है, जबकि हमारे पास में मल्टीपल में 10x भी है, इसलिए हमने 10 स्क्वायर को ही t पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन 2 10x, 10x का वापस करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू ये पूरा का पूरा बन के आ गया, ओके dt और ये हमारा t स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला tan इनवर्स t प्लस c और पुट दी t tan इनवर्स की वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स प्लस। अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, साइन 2x को ब्रेक करा कोस पावर 4x को मान लिया, इसको अरेंज करके ये बनाया 10 4 को क्या लिख दिया 10 स्क्वायर स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स को टी, ओके थैंक यू धन्यवाद।